मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। और एक छोटी सी अपील कहकर मैं खत्म करता हूं मेरी बात को, फिर आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एक काम करें, उससे भी देश को थोड़ा फायदा हो जाए तो अच्छा है। ये तो हम सार्वजनिक जीवन में जो करेंगे वो बात मैंने कही, आपके व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा बदलाव करें, थोड़ा चेंज करें इस देश के फायदे के लिए। क्या बदलाव करें आप पूछेंगे, तो सीधी सी बात है, कर्ज बहुत है देश पे। अब जब ज़्यादा कर्ज हो जाता है किसी देश पे तो क्या करना चाहिए, इसको ऐसे सोचने की कोशिश करिए, हमारे घर पर बहुत कर्ज हो गया, अब हम क्या करें। तो हम दो ही काम करेंगे, या तो घर के खर्चे घटाएंगे या घर की आमदनी बढ़ाएंगे, दो ही काम करेंगे ना। घर के ऊपर अगर कर्ज बढ़ता है तो घर के खर्चे घटाते हैं और आमदनी बढ़ाते हैं, तो देश हमारा बड़ा घर है, इसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, तो देश के खर्चे घटाइए और देश की आमदनी बढ़ाइए। ये मेरी आपसे व्यक्तिगत अपील है। तो आप बोलेंगे इसके लिए क्या करें, इसके लिए अपनी जिंदगी में थोड़ा बदलाव करिए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। देश का खर्चा घटाना माने एक एक देश का नागरिक उसका खर्चा घटाना, तो कहां से खर्चा घटेगा। तो आप अपनी जिंदगी को सवेरे से शाम तक देखिए, आप क्या क्या फालतू खर्चा ऐसा कर रहे हैं जिसको बचाया जा सकता है, फालतू खर्चा क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बता सकता हूं क्या क्या फालतू खर्चा आप कर रहे हैं जिसके बिना आपका जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है, ना खर्च करें वो पैसा तो भी जीवन चल सकता है। सबसे बड़ा फालतू खर्चा ये जो देश कर रहा है चाय पीने में, सवेरे से लेकर शाम तक हम जितनी चाय पी जाते हैं एक साल में वो 70 करोड़ किलोग्राम होती है, और एक किलो चाय 150 रुपए की आती है, तो 70 करोड़ किलोग्राम चाय को गुणा करेंगे तो 90,000 करोड़ से ऊपर का बिल बैठता है चाय पीने का इस देश का। ऐसे मूर्ख लोग हैं इस देश में, उठते ही चाय। हाँ, कुछ भी काम बाद में करेंगे चाय पहले पिएंगे, संडास और टट्टी भी बाद में जाएंगे चाय पहले पिएंगे, कहते हैं टट्टी उतरती नहीं बिना चाय पिए, उठते ही चाय पीते और सोते चाय। और सरकारी दफ्तरों में तो चाय के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जब कभी चले जाओ, कहां गया भाई आदमी, चाय पीने गया, कहां गया चाय पीने गया, सारे रिश्वत के काम चाय के नाम पर, सारे घूसखोरी के काम चाय के नाम पर, चाय पीने चलो दे दो पैसे। वो कहते हैं ना, कोई भी कर्मचारी कहेगा जी चाय पीने चलो, समझ लो पैसे मांग रहा है। तो खर्चा पानी सब चाय के नाम पर, ये चाय बंद करो। और ये चाय इसलिए बंद करो कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, अंग्रेजों की लाई हुई है। अंग्रेजों के पहले इस देश में कोई चाय पीता नहीं था, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं चाय पीने की। चाय तो गर्म देश के, सॉरी ठंडे देश के लोगों को पीने की चीज है, क्योंकि गर्मी लाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। और ठंडे देश तो यूरोप और अमेरिका और कनाडा के हैं, हम तो गर्म देश वाले हैं, हम क्यों पिए। हम तो दूध पिए, दही पिए, लस्सी पिए, छाछ पिए, मट्ठा पिए, नींबू की शिकंजी पिए, नारियल का पानी पिए, संतरे का रस पिए, मौसमी का रस पिए, अपने पास तो पीने के लिए इतनी चीजें हैं, हमको क्यों पीना चाहिए। आयुर्वेद में चाय निषिद्ध है आपको मालूम, और आप इसे बार बार पीते हैं तो बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान है कि पेट की एसिडिटी बढ़ाती है, अम्लता बढ़ाती है। चाय में केमिकल जितने भी हैं वो सब एसिडिक हैं, और पेट की अम्लता बढ़ेगी तो खून की अम्लता बढ़ेगी, रक्त की एसिडिटी बढ़ेगी तो रक्त में फिर 80 तरह के रोग पैदा होंगे, और उन रोगों से लड़ने के लिए फिर आपको और 1,000 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। तो चाय पियो, उसमें 70,000-90,000 करोड़ खर्चों, फिर चाय से जो रोग पैदा हो उसमें और 1,000 करोड़ खर्चों, क्यों फालतू खर्च कर रहे हैं, बंद कर दो, जरूरत नहीं है इसको पीने की। और ये नशा है, रोज पियो, फिर एक दिन ना पियो तो सिर में दर्द होता है, नशा है बिल्कुल, ये शराब की तरह का, बंद करो इसको। आप मत पियो, किसी मेहमान को भी मत पिलाओ। हाँ, जो आप नहीं करो तो मेहमान को क्यों करवाना। तो फिर आप बोलोगे फिर क्या करें, विकल्प मैं बताता हूं, दूध पियो। मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि 90,000 करोड़ की जो हम चाय पी रहे हैं, इतने ही करोड़ का दूध पी लें 90,000 करोड़ का, तो देश की तो दशा ही बदल जाएगी।
90,000 करोड़ का दूध पिएंगे तो 20 करोड़ गाय पालनी पड़ेगी, तब इतना दूध आएगा। और जो 20 करोड़ गाय पालनी पड़े तो गाय का कत्ल आज और अभी से बंद कराना पड़ेगा, तभी 20 करोड़ गाय बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। तो कत्ल होने के लिए जो गाय जा रही है ये रुक जाएगी, और ये जो गाय 20 करोड़ हो गई, हर गाय साल में कम से कम एक बछड़ा या एक बछिया देती है, तो कितने बैल हो जाएंगे, और इतने बैल हो गए तो खेती के काम आएंगे, तो ट्रैक्टर खत्म हो जाएगा, डीजल का खर्चा पूरी तरह से बंद हो जाएगा किसानों का। और जो बैल और गाय बढ़ गए तो गोबर बहुत हो जाएगा, और गोबर इतना हो जाएगा कि हर खेत में डालने के लिए मिल जाएगा, यूरिया खरीदना नहीं पड़ेगा, डीएपी डालना नहीं पड़ेगा। यूरिया डीएपी का 4,80,000 करोड़ का खर्चा बच जाएगा। और जो गाय बैल बहुत हो गए तो उनका मूत्र भी बहुत होगा, उस मूत्र को इकट्ठा करके छिड़कते रहें तो फसल पे कीड़े नहीं आएंगे, तो कीड़े मारने की जो दवाएं डालनी पड़ती हैं, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये सब बंद हो जाएंगी, इसका 2,00,000 करोड़ और बच जाएगा देश को। कितने फायदे हैं देखो आप, बस एक काम करो, चाय मत पियो, दूध पियो, दूध एक कप दूध पी लो, और आप दूध पियोगे तो पैसा किसी किसान के ही हाथ जाने वाला है, चाय पियोगे तो पैसा ब्रुकबॉन्ड कंपनी के हाथ जाएगा, लिप्टन के हाथ जाएगा, टी सिटी के हाथ जाएगा, गॉडफ्रे फिलिप्स के, ये सब विदेशी कंपनियां हैं, लूट के पैसा अपने देश में ले जाएंगी। हम वही ठनठन गोपाल, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूटती थी, अब ये लूटेंगे, तो बंद कर दो आप इसे, तो तुरंत बंद कर दो। फिर पीना क्या है, दूध पी लो, जिनको दूध अच्छा नहीं लगता वो नींबू की शिकंजी पी लें, नारियल का पानी पी लें, संतरे का रस पी लें, मौसम्बी का रस पी लें, और कुछ नहीं अच्छा लगता तो पानी को खूब गर्म करके चाय की तरह से पी लें, पानी ही पी लो चाय की तरह से, तुलसी की पत्ती डाल लो, अदरक डाल लो, तो आप तो बंद कर दो कल से, कोशिश करो, आपका जीवन बदलना शुरू होगा देश के लिए। हम बदल रहे हैं देश के लिए, यहां से शुरू करो। दूसरा एक बदलाव और हो जाए तो बहुत अच्छा है। फालतू का एकदम खर्चा हम करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और दारू का फालतू खर्चा, 20,000 करोड़ रुपए हम बर्बाद कर देते हैं। एक गुटखे का पाउच है 4-5 रुपए का, मुश्किल से उसमें 10 ग्राम निकलता है, अब तो 5 ग्राम ही हो गया है, 10 ग्राम 8-9 रुपए का, माने 1,000 रुपए किलो का हम गुटखा गटकते हैं। 200 रुपए किलो का काजू खा लो, 300 रुपए किलो का बादाम खा लो, 1,000 रुपए किलो का गुटखा क्यों खा रहे हो? और गुटखा खा के गाल गलेगा, कैंसर होगा, मरोगे आप सब। 20 लाख लोग मरते हैं हर साल इस देश में कैंसर से, गुटखा खा के, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के। बंद करो ये भी फालतू खर्चा, बीड़ी का, दारू का, शराब का, बंद करो ये खर्चा, बचाओ। फिर वो आप बोलोगे जी छूटता नहीं है, छोड़ने के तरीके मैं बता सकता हूं। गुटखा जो किसी का छुड़ाना हो तो उसकी सबसे अच्छी दवा है अदरक, अदरक है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, उसमें नींबू का रस मिलाओ, थोड़ा नमक मिलाओ और धूप में सुखा लो, सुखा के जेब में भर के रखो, जब भी गुटखा खाने की तलब लगे अदरक का एक टुकड़ा मुंह में रखे, चूसो, चूसते रहो, चबाना नहीं, गुटखा खाने की याद ही नहीं आएगी। बहुत सरल है, बहुत आसान। ऐसे बीड़ी सिगरेट छोड़ना है तो उसमें भी अदरक काम आता है, शराब छोड़नी है तो भी काम आता है। अदरक में है क्या, एक केमिकल है उसका नाम है सल्फर, ये व्यसन करने वालों के शरीर में सल्फर बहुत कम हो जाता है, तो इसकी तलब लगती है बाहर से पूर्ति करने के लिए, तो वो अदरक से पूर्ति कर लो। एक टूथपेस्ट 30 रुपए का 100 ग्राम आता है, 300 रुपए किलो। अब 300 रुपए किलो का पेस्ट रगड़ते हैं और थूकते हैं उसको, 200 रुपए किलो का घी रोटी पे लगा के खाते हैं, 300 रुपए किलो का पेस्ट वॉश बेसिन में थूक के चले जाते हैं, कहते हैं हम बड़े स्मार्ट। मैं उनसे कहता हूं और स्मार्ट बनो, तो कहते हैं क्या करें। मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का पेस्ट इतना महंगा, इसको थूकते क्यों हो, रोटी पे लगा लगा के खा लो, क्योंकि घी से तो महंगा है।
फालतू खर्चा पेस्ट का। हमारे देश में 20-25 साल पहले तक कोई नहीं करता था ये पेस्ट। ये टीवी के विज्ञापन में देख देख के हमारा दिमाग खराब हो गया। ब्रश ले आते हैं, पेस्ट ले आते हैं। आपको मैं एक गहरी बात कहना चाहता हूं, वो ये अमेरिका और यूरोप के देशों में ये टूथपेस्ट जब बिकता है ना, तो उस पर चेतावनी लिखी रहती है अंग्रेजी भाषा में। क्या लिखा रहता है? इट इज कार्सिनोजेनिक, माने कैंसरस। सभी टूथपेस्ट कैंसर करते हैं। क्यों? टूथपेस्ट बनाने में केमिकल डाला जाता है, उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, वो कैंसर करता है। और ये केमिकल डाले बिना पेस्ट नहीं बन सकता। टूथपेस्ट जब आप घिसते हो तो झाग बनता है ना, वो झाग बनाने वाला केमिकल यही है सोडियम लॉरेल सल्फेट। यही केमिकल होता है शेविंग क्रीम में, यही केमिकल होता है वॉशिंग पाउडर में, यही केमिकल है डिटर्जेंट पाउडर में, वही केमिकल है टूथपेस्ट में, वही केमिकल है शैम्पू में। सब में एक ही केमिकल है, सबकी क्वालिटी एक ही है। अब हम पढ़े लिखे लोगों को क्या लगता है, जो पेस्ट में झाग ज्यादा बने वो उतना ही अच्छा, तो शैम्पू से दांत साफ करो फिर तो बहुत झाग बनता है उसमें। शेविंग क्रीम लगाओ दांतों में, खूब झाग देगी। ये झाग बनाने वाला केमिकल बहुत खराब है। अमेरिका में तो दांतों के डॉक्टर है ना, वो पेशेंट को जब समझाते हैं तो एक ही बात कहते हैं, डोंट यूज टूथपेस्ट। वो कहते हैं यूज ओनली टूथब्रश। वो कहते हैं खाली ब्रश से दांत साफ कर लो, इस पे पेस्ट मत लगाओ क्योंकि कैंसरस है, तो आप छोड़ दो इसको, कुछ अच्छा नहीं। और एक महत्व की बात है कि सब टूथपेस्ट, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिवाका, फॉरेंस, जितने भी हैं, ये मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बनते हैं। हमारे देश में हजारों कतल खाने चलते हैं, 36,000 कतल खाने हैं इस देश में जो चलते हैं। उनमें 4.5 करोड़ जानवर कटते हैं हर साल, उनका मांस बाजार में बिकता, उनकी जो हड्डियां हैं वो पेस्ट बनाने वाली कंपनियां खरीदते हैं, हड्डियों को सुखाकर पाउडर बनाते हैं, फिर उससे पेस्ट बनता है। और रोज सुबह हम दांतों पे घिसते हैं, धर्म का नाश करते हैं। बंद कर दो आप, अच्छा नहीं। तो आप बोलोगे क्या होगा, पैसे बचेंगे आपके, देश के पैसे बचेंगे। अब आप दांत कैसे साफ करेंगे? दांत साफ करो नीम के दातुन से, बबूल के दातुन से, करंज के दातुन से, पाकड़ के दातुन से। टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं। हर गांव में दातुन मिलती है, गली गली मिलती है, आसानी से उपलब्ध है, तो वही आप करो। आप बोलोगे जी दातुन करेंगे तो पेड़ खत्म हो जाएंगे, उसका भी हिसाब बताता हूं। एक दातुन को 7 दिन करना तो पेड़ कभी भी खत्म नहीं होंगे। क्यों? दातुन के लिए जो डंडी तोड़ते हैं ना, तो जितनी आप तोड़ते हैं 7 दिन में उतनी बड़ी फिर हो जाती है, वो मेंटेन रहता है वो साइकिल। तो एक दातुन तोड़ो, 7 दिन चलाओ। कैसे? दातुन को चबा लिया, आगे का हिस्सा चाकू से काट दिया, रात को पानी में डाल के रखा, दूसरे दिन फिर चबा लिया, 6-7 दिन तक चल जाएगा। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ये तो बड़ी गंदी बात है, एक ही दातुन को 7 दिन कैसे करें। तो आप ये बताओ, एक टूथब्रश को कितने दिन कर लेते हो? एक एक साल ब्रश रगड़ लेते हैं, तो दातुन 7 दिन करने में क्या बुराई? और दातुन तो फ्रेश है ना, क्योंकि आगे का काट दिया। दातुन आप करो। और दातुन करना है तो दो फायदे, एक तो दांत मजबूत, मसूड़े स्वस्थ, और फोकट में हो जाएगा सब काम, खर्चा बच गया। और मैंने एक दिन सोचा कि हम पेस्ट बंद ही कर दें और उतने ही पैसे में दातुन खरीदने लगे, और एक दातुन 50 पैसे का ही बिके मान लो, तो 35-40 लाख लोगों को तो रोजगार दातुन बेचने से ही मिल सकता है पूरे देश। आप कभी बंबई जाओ तो बंबई के सभी रेलवे स्टेशन पे दातुन मिलता है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का, 4, जो बंबई में मिल सकता है तो होशंगाबाद में भी मिल सकता है, रोजगार बढ़ा सकते हैं। तो पेस्ट बंद करके, ब्रश बंद करके दातुन करें। दातुन कभी नहीं मिले, कोई मजबूरी हो जाए तो दंत मंजन कर लें। बहुत सारे दंत मंजन भारत में बनते हैं, और दंत मंजन घर में बना सकते हैं। थोड़ा हल्दी ले लो, थोड़ा नमक ले लो, थोड़ा तेल ले लो, तीनों को मिलाओ, दांत पे घिस लो, बहुत अच्छा है। खर्चे बचाने, और खर्चा कहाँ बचा सकते हैं? शेविंग क्रीम मत लगाओ, खर्चा बचेगा बहुत पूरे देश का। 50 करोड़ मर्द हैं जो शेविंग क्रीम में 1,000 करोड़ खर्च करते हैं।
या तो स्वामी रामदेव जी की तरह से दाढ़ी रख लो तो खर्चा बचेगा, दाढ़ी नहीं है तो बिना शेविंग क्रीम के दाढ़ी बनाओ, खर्चा बचेगा। आप बोलेंगे कैसे बनाएं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। थोड़ा दूध ले लो, दूध, कच्चा दूध, उसको चेहरे में लगाओ, चेहरा एकदम सॉफ्ट हो जाता है, स्किन। फिर रेजर चलाओ, बहुत चिकनी दाढ़ी बनती है, मैं 10 साल से बनाता हूँ। और 4 फायदे हैं इसके। पहला फायदा है ब्लेड का खर्चा कम, क्योंकि जब दूध लगाते हैं ना तो चिकनाई बढ़ जाती है, तो रेजर आसानी से चलता है, तो ब्लेड कम घिसता है, तो ब्लेड का फायदा। दूसरा फायदा, दूध लगाओ तो गंदगी निकल जाती है चेहरे की। दूध जो है ना बेस्ट क्वालिटी क्लिंजिंग एजेंट है। जितने बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स है ना, वहां सब मिल्क क्लिंजिंग ही होता है, दूध से ही चेहरा साफ करते हैं। तो रोज दूध लगाएंगे, चेहरा साफ रहेगा, कील मुहासे नहीं निकलेंगे, चेहरा चमकेगा, आप सब स्मार्ट हो जाएंगे। फोकट में स्मार्ट बनने का तरीका बता रहा हूं, दूध से दाढ़ी बनाओ। दूध ना मिले तो दही से बना लो, थोड़ा दही लगा लिया, रेजर चला लिया, नहीं तो गर्म पानी ले लो, गर्म पानी से भी दाढ़ी बनती है, नहीं तो नहाते समय दाढ़ी बना लो। नहीं तो सबसे आसान तरीका है कि एक बूंद तेल ले लो, पानी में मिला के चेहरे पे लगा के रेजर चलाओ, एकदम डीप कट होता है, क्लीन शेव होती है। शेविंग क्रीम का फालतू खर्चा बंद कर दो आप। फिर और एक फालतू खर्चा आप बंद कर सकते हो, साबुन का। फालतू साबुन ज्यादा मत लगाओ। तो कैसे नहाएं? बेसन से नहाओ, चने के आटे से, मुल्तानी मिट्टी से नहाओ, नहीं तो तौलिया भिगा लो पानी में, गीले तौलिया से शरीर रगड़ लो, पानी से नहा लो, नहीं तो दूध से नहा लो। हमारे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार आता है, शंकर भगवान को दूध से ही नहलाते हैं, तो भक्त क्यों नहीं दूध से नहा सकते? जब भगवान नहा सकते तो भक्त नहा सकते। हम जब बुजुर्गों के पांव छूते हैं ना तो वो आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। कभी किसी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, लक्स लगाओ पूतो फलो? या लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो? हमेशा कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो। तो बुजुर्गों की इतनी तो मानो कि दूध से नहाओ। अब दूध से नहाने के फायदे क्या हैं? दूध से नहाने का फायदा, एक तो दूध की बिक्री बढ़ेगी, मुनाफा किसानों को मिलेगा, गाय पालनी पड़ेगी, भैंस पालनी पड़ेगी, पशुधन बढ़ेगा। पशुधन ही देश का धन है। वो कहते हैं ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। तो गाय पशु ये सब धन है, देश का संपत्ति है, बोझा नहीं है कोई। दूध की डिमांड बढ़े तो यही होने वाला है। और दूध से नहाएंगे तो और एक फायदा है, साबुन का खर्चा कम। दूध से नहाए तो और एक फायदा, गंदगी निकल जाती है। आप थोड़ा दूध ले लो, चेहरे पे लगाओ, फिर रुई से चेहरा पूछो, एकदम काला काला रुई हो जाता है, क्योंकि गंदगी सब निकल आती है उससे। दूध एक अकेली चीज है पूरी दुनिया में जो लगाने के 2 मिनट बाद ही गंदगी को खींच लेता है। इसलिए ब्यूटी पार्लर में मिल्क क्लिंजिंग होता है, सोप क्लिंजिंग कहीं नहीं होता। तो आप सोचो, नहाना दूध से शुरू करो। 1-2 चम्मच दूध लगता है, 1-2 चम्मच कच्चा दूध लेके तेल की तरह से रगड़ लो, पानी से नहा लो, तो त्वचा एकदम नरम रहती है। त्वचा नरम रहेगी तो कोल्ड क्रीम का खर्चा बचेगा, पामोलिव नहीं लगाना पड़ेगा, ओल्ड स्पाइस नहीं लगाना पड़ेगा, फेयर एंड लवली नहीं लगाना पड़ेगा, वो हजारों करोड़ का खर्चा बचे। लोग फेयर एंड लवली लगा लगा के परेशान है, कहते हैं इससे गोरापन आता है। मैंने एक भैंस को 4 साल लगा के देख लिया, वो अभी भी काली की काली है। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे। जो काला है जो गोरा है वो गोरा है। और जो काला गोरा हो जाता फेयर एंड लवली से, तो अफ्रीका वाले तो सब गोरे होते। कोई क्रीम काले को गोरा नहीं बना सकते, ये तो मूर्ख बनाते हैं वो विज्ञापन। और हम कितना खर्चा करते हैं, 25 ग्राम फेयर एंड लवली 40 रुपए की है, 50 ग्राम 80 की, 100 ग्राम 160 की, 1 किलो 1600 रुपए की। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाते हैं, 400 रुपए किलो बादाम नहीं खाते, क्या मूर्खता है।